पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी नींदों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया। तू नज़म नज़म सा मेरे ठहर जा, तू नज़म नज़म सा मेरे होंठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी नींदों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। नारा Hey YouTube, welcome to my channel Acoustic Party. मेरा नाम है Sandy. Guys, आज जो हम गाना करेंगे, गाने का नाम है नज़म नज़म. It's from the movie बरेली की बर्फी, a very beautiful song. जब मैंने गाना सुना और मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आई कि सर आप इस गाने को जरूर करो, सो आई डिसाइडेड कि मैं इस गाने को बहुत जल्दी 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 करूँ, राइट? तो आइए सीखते हैं इस गाने को ऑनली ऑन Acoustic Party. Coming up next. तो गाइज इस गाने में जो कॉर्ड्स है बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी कॉर्ड्स है. मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला कॉर्ड आपको जो आना चाहिए दैट इज जी कॉर्ड, ठीक है, जी कॉर्ड. सेकंड कॉर्ड इज सी एड नाइन कॉर्ड. मैं आपको बता दूं एक बात कॉर्ड बताने से पहले कि सारे कॉर्ड आसपास ही हैं, आपको ज़्यादा शिफ्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सब बहुत ही परफेक्ट कॉर्ड्स हैं, राइट? दिस इज जी कॉर्ड, आप डायग्राम देख सकते हैं. उसके बाद सी एड नाइन कॉर्ड, जस्ट आपकी जो ये दो फिंगर्स हैं इनको आपको नीचे शिफ्ट करना है, बस ऐसे एक एक स्टेप आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है? जी से और सी एड नाइन कॉर्ड से आप कंपेयर कर सकते हैं, दिस इज सी एड नाइन कॉर्ड. उसके बाद E माइनस सेवन इज जस्ट लाइक दिस, ठीक है? आपकी ये दोनों फिंगर्स वहीं रहेंगी जो जी कॉर्ड में थी और जो सी एड नाइन में थी, तो आपको ई माइनर पोजिशन पकड़ना है केवल, डायग्राम से आप देख सकते हैं E माइनस सेवन. एंड द लास्ट कॉर्ड इज डी सस्पेंडेड फोर वेरिएशन कॉर्ड, एक्चुअली दैट इज अ डी सस्पेंडेड फोर बट अ लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन, ठीक है? आपको क्या करना है, इन दोनों फिंगर्स को ऐसे रखना है क्रॉस, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कौन सी फिंगर कहाँ पे है, इंडेक्स कहाँ पे है और मिडिल फिंगर कहाँ पे है, राइट? इस तरीके से आपको ये चार कॉर्ड बजाने हैं दोस्तों. और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर ये कॉर्ड आपको टफ लग रही है तो और सिंपल कॉर्ड है, पहले जी कॉर्ड, ठीक है, आप जी कॉर्ड बजाइए. सेकेंड सी एड नाइन की जगह आप सी भी बजा सकते हो इस तरीके से, ठीक है? उसके बाद ई माइनस सेवन की जगह आप ई माइनर भी बजा सकते हो ऐसे, और डी सस्पेंडेड फोर की जगह आप नॉर्मल बजा सकते हो डी, राइट? दोस्तों इस गाने को सीखने के लिए आपको ये सारी कॉर्ड्स आनी चाहिए. तो दोस्तों चलते हैं अब इसके स्ट्रमिंग पैटर्न में. स्ट्रमिंग पैटर्न इज वेरी वेरी सिंपल, आपको जस्ट करना क्या है, ध्यान दो, डाउन अप चक, डाउन अप चक, या आप म्यूट बोल लो बिकॉज चक इज अ टाइप ऑफ म्यूट, ठीक है? थोड़ा स्लो में दिखाता हूँ, डाउन अप म्यूट, डाउन अप म्यूट, ठीक है? फिर से देखो, डाउन अप म्यूट, डाउन अप म्यूट, रिपीट करो, डाउन अप म्यूट, डाउन अप म्यूट. तो इस तरीके से बजेगा, डाउन अप म्यूट, डाउन अप म्यूट, डाउन अप म्यूट, डाउन अप म्यूट, डाउन अप म्यूट. पूरे गाने में दोस्तों इस तरीके से ही चलता रहेगा. तो दोस्तों इसका जो इंट्रो है, इंट्रो कुछ इस तरीके से बजता है, देखो ऐसे, ठीक है? ये आपको सीखना है. अब इसको सीखने के लिए हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले आप पकड़ो डी कॉर्ड, ठीक है? डी कॉर्ड पकड़ने के बाद आपको अपनी पिंकी फिंगर जी स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट पे लगाना है यहाँ पे, ठीक है? ऐसा साउंड आएगा, ठीक है? डी का साउंड ये है,
इसको ऐड करोगे तो ये आएगा, ठीक है। बेसिकली हमको ये नोट प्ले करना है, देखो ऐसा वाला, ठीक है, हमें ये नोट प्ले करना है। लेकिन हम सिंगल स्ट्रिंग में बजाएंगे तो वो मजा नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए हम इसे कॉर्ड के साथ बजाएंगे। अब कॉर्ड के साथ देखो क्या करना है, डी पकड़ो, डी के बाद अपनी पिंकी फिंगर जी स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट पे आपने लगा दी। अब आपको प्ले करना क्या, देखो डाउन डाउन डाउन, तीन बार प्ले करना है डाउन डाउन डाउन। लेकिन कैसे करना है, दो बार डाउन आपके इसी पोजीशन में होगा डाउन डाउन, और तीसरा डाउन जैसे आप करोगे आपको ये स्लाइड करके यहां तक लेके आना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। बेसिकली जो मैंने कहा था ये वाला नोट, ये सेवन फ्रेट पे नोट बजना चाहिए आपका, ये फोर्थ से आपने लिया ना ऐसे, ठीक है, यहां पे आपकी पिंकर फिंगर थी राइट फोर्थ फ्रेट पे ऐसे, ठीक है। तो तीन बार आपका डाउन हो गया, देखो ऐसे डाउन डाउन डाउन, ठीक है, डाउन डाउन डाउन, ठीक है, दो बार डाउन यहां, तीसरी बार डाउन यहां, ओके, ये क्लियर हो गया। अब आगे देखो, अभी सेकंड वाले में क्या करना है, जब आपने ये किया, अब आपको क्या करना है, यहां पर डी बजाना है, फिर से तीन बार डाउन बजाना है, अब आपको दो बार डी कॉर्ड बजाना है, ये नहीं बजाना उसमें, ठीक है। पहले आपने क्या किया, पहले वाले में आपने ऐसे किया डाउन डाउन, फिर शिफ्ट किया डाउन, अब जब वापस आओगे तब आपको डी बजाना है दो बार, और फिर हैमर करना है इस पे तीसरी डाउन में ऐसे, ठीक है, फिर इसके बाद अप डाउन, अप, तो इस तरीके से आएगा डाउन डाउन डाउन, दो बार डाउन ओपन, तीसरा डाउन में ये हैमर, फिर अप डाउन, अप डाउन डाउन डाउन, अप डाउन, अप डाउन डाउन, दो बार ओपन, तीसरे में हैमर, अप डाउन, अप, ठीक है। फिर से देखो डाउन डाउन, दो बार डी में, तीसरे में हैमर, फिर अप डाउन, अप उसी पोजीशन पे, ठीक है। तो अब किस तरीके से बजेगा पूरा ये देखो, ठीक है दोस्तों। और इसी में आपका जो है, आपको ये इंट्रो चार बार प्ले करना है, देखो ऐसे, और उसके बाद कंटिन्यू ये रखना है आपको, और आपका अलाप स्टार्ट होता है ना 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 ना, ठीक है दोस्तों, ये आपका ऐसे होगा। ओके दोस्तों, गाना कैसे स्टार्ट होगा, आपको इंट्रो बजाना है पहले तो चार बार, ठीक है, चार बार सिंगल बिना अलाप के, उसके बाद फिर चार बार ना 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 ना, तो चार और चार टोटल आठ हो गए, ठीक है। तो पहले चार बार बिना अलाप के, एक दो तीन, अब अलाप के साथ ना 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 ना, ठीक है। तो चार पहले के चार बाद के टोटल मिला के आपके हो गए आठ पार्ट, ठीक है। तो आपको आठ एक साथ बजाने इस तरीके से, जैसे खत्म होगा उसके बाद एकदम आपका जी कॉर्ड आएगा, तू नज़्म नज़्म सा मेरे, ठीक है, एकदम खत्म करते ही एकदम आएगा, ठीक है। जी कॉर्ड आपको एक बार स्ट्रम करना है, तू नज़्म नज़्म सा मेरे, बहुत सिंपल है। देखो जी कॉर्ड स्ट्राइक किया, और नीचे से जो नीचे के स्ट्रिंग है ई और बी एक साथ प्ले करने हैं आगे पीछे, पहले ई होगी फिर बी होगी ऐसे, तू नज़्म नज़्म सा मेरे, फिर आपका ई माइनर, ठहर जा C9, ये आपका हमेशा सेम रहेगा, नीचे से ई फिर बी, ठीक है, हर कॉर्ड के साथ, जी में ऐसे फिर ई माइनर C9 D7, ठीक है। तू नज़्म नज़्म सा मेरे, होठों पे ठहर जा,
अगेन सेकंड स्टैंजा शहनाई उस ओर मैं भागू रे, फिर आपका जो स्ट्रमिंग पैटर्न बताया वो स्टार्ट होगा। मेरे दिल के लिफाफे में तेरे खत है जाने या। ठीक है, फिर आपको नॉर्मल कॉर्ड्स फॉलो करनी है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही सिंपल है। ओके दोस्तों, तो गाइस द फाइनल लेसन इज कंप्लीट नाउ। अब आप मेरे साथ बजाइए राइट फ्रॉम द इंट्रो। ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी नींदों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जाने या, तेरा खत है जाने या, ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जाने आवे, मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जाने या, तेरा खत है जाने या, ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जाने आवे, तू नज़म नज़म सा मेरे ठहर जा, तू नज़म नज़म सा मेरे होंठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी नींदों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। नारा थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई गेस आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक करना ना भूलेगा और अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेगा, राइट। मेरे फेसबुक पेज एकॉस्टिक पार्टी को सर्च जरूर कीजिए और उसे लाइक करना भी ना भूलेगा। मेरे चैनल एकॉस्टिक पार्टी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलेगा, क्योंकि बेल आइकॉन पे क्लिक करने से आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। आपके गिटार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, माय ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी कॉस्टिक अंडरस्कोर पहाड़ी। और मैंने जैसा कि आपको वादा किया, मैं हर संडे अब से लाइव आऊँगा आपके सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई देने के लिए, ज़रूर लाइव आऊँगा ओनली ऑन संडे। ठीक है, संडे वो भी मैं टाइम बता दूंगा आपको मेरी स्टोरी पेज से कि मैं कितने बजे लाइव आ रहा हूँ, ओनली ऑन इंस्टाग्राम, राइट। विल बी कमिंग बैक सून विद मोर सॉन्ग्स एंड मोर लेसन्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।